Hello friends, welcome to Biology by Vibhu, and this is your educator Vibhu Prasad Rotha, and this video is comprised of pollination. So keep watch this video till the end to get more information about the pollination. And if you have not watched the previous videos, I have made the complete playlist on sexual reproduction in flowering plants, so do check out those videos also. Thank you. So pollination, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पॉलिनेशन जब पढ़ा था, पॉलिनेशन के पहले हमने शुरू किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस, और फिर जब मेगास्पोरोजेनेसिस से हम आगे बढ़े तब आता है पॉलिनेशन के कंसेप्ट। तो ये पॉलिनेशन क्यों जरूरी है? देखिए, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो हो गया, तो पॉलिनेशन का जरूरत क्या है? ये बी का चित्र यहां पर क्यों दिखाया गया है? तो ये सब हम देखेंगे इस प्रोसेस में, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में क्या होगा ना, इट इमीडिएटली स्टार्ट्स आफ्टर द एंथर डिहेसेंस। जब एंथर फट जाता है उसके तुरंत बाद ये शुरू होता है। द प्रोसेस इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। प्लांट का जो एंथर का पोर्शन है, एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा तक जाता है, यही प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। द एंड इज अकम्प्लिश्ड व्हेन पोलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा। जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तभी जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, उससे पहले नहीं। देखिए, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर हम पॉलिनेशन को सिर्फ एक ब्रॉड सेंस में देख लेते तो ये दो तरह के होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि ऑटोगैमी या फिर एलोगैमी। लेकिन अगर हम इसको एक ब्रॉड सेंस में देखें तभी कुछ चेंजेस आता है। वो चेंजेस क्या है? देखिए, सोर्सेस ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का जो सोर्स है वही से हम देखेंगे कि ये पोलिनेशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहला आता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मींस दैट इज ट्रूली द सेल्फ पोलिनेशन इन विच वन फ्लावर इज इन्वॉल्व, दैट वन फ्लावर इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। सपोज मैं यहां पर एक ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, तो ये कुछ इस तरह का होगा। देखिए, तो एक फ्लावर लेते हैं हम, मान लो कि ये एक फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें सपोज यहां पर एक एंथर हो और यही इसी के तुरंत बाद यहां पर स्टिग्मा भी हो गया। तो अगर इसी का एंथर जाकर यही गिरता है तो इसको हम ऑटोगैमी कहेंगे। लेकिन जिटोगैमी जो है वो भी एक तरह का ऑटोगैमी है, लेकिन कुछ डिफरेंस है उसमें। देखिए, आप साइड में एग्जांपल भी है, देख सकते हैं। ऑटोगैमी का प्योरली ऑटोगैमी का एग्जांपल हम लिए हैं टी, व्हीट, राइस एटसेट्रा। हम जिटोगैमी का लिए हैं जिसमें हम मेज के बारे में देखेंगे। तो वहां पर क्या होता है ना, प्लांट एक होता है लेकिन फ्लावर एक नहीं। देखिए, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं यहां से, लेट मी क्लियर दिस। देखिए, तो क्या होगा, जब जिटोनोगैमी होगा तब प्लांट एक होगा, यही एक प्लांट। तो इस प्लांट में सपोज मान लो कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट में दो तरह के फ्लावर है। यहां पर एक फ्लावर है जहां पर एंथर होगा, ठीक है, मान लो कि ये एक फ्लावर है जहां पर एंथर होगा, और ये एक दूसरा वाला फ्लावर है जहां पर स्टिग्मा है। तो यहां से अगर एंथर आकर यहां गिरता है तो इस प्रोसेस को हम जिटोनोगैमी कहते हैं। मतलब कि यहां पर एक ही प्लांट इस्तेमाल हो रहा है लेकिन फ्लावर दो है। लेकिन जो जेनोगैमी कंडीशन है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशन है। मतलब कि यहां पर जो आप देखेंगे, जो कंप्लीट सिनेरियो है, इसमें एक प्लांट से, सपोज ये एक प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, तो प्लांट ए से पोलन निकलकर प्लांट बी में जा रहा है, ठीक है। दिस वन इज वन प्लांट, दिस वन इज अनदर प्लांट। So when two plants are involved, then there will you can find xenogamy. Okay, and the examples are primula, linum, etc. Okay, और आपको एक बात फिर से ध्यान रखना पड़ेगा, जो सेल्फ पॉलिनेशन है यहां पर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में आपको वेरिएशन मिलेगा, यहां पर वेरिएशन नहीं मिलेगा लेकिन यहां पर वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन का महत्व बहुत ज्यादा है।
हम आगे देखेंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस मतलब कि अडेप्टेशन, एनवायरमेंटल में एनवायरमेंट में क्या क्या अडेप्टेशन है जो कि एक प्लांट को मजबूर कर देता है सेल्फ पोलिनेशन करने के लिए। तो सबसे पहले आता है होमोगैमी। देखिए होमोगैमी डाइकोगैमी क्लिस्टोगैमी जो भी कंडीशंस यहां पर मेंशन किया गया है ये सब के सब कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन है। मतलब कि यहां पर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर में आंथर स्टिग्मा दोनों का मौजूद भी होगा लेकिन कुछ कारण की वजह से ये सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। जैसे कि पहले देख लेते हैं होमोगैमी के बारे में। तो होमोगैमी में क्या होता है ना बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लिया जाता है जहां पर आंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही टाइम पर मैच्योर करेंगे, सेम टाइम पे मैच्योर करेंगे और सेम टाइम में खुद को पोलिनेट कर लेंगे। मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर ही पोलिनेशन हो जाएगा तो इसीलिए हम इसको सेल्फ पोलिनेशन के कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या है, यहां पर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर यूज किया गया है लेकिन यहां पर मेल या फिर फीमेल ये दोनों सेम टाइम पर मैच्योर नहीं करते हैं। यहां पर आंथर और स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम व्हिच नॉर्मली फेवर्स द क्रॉस पोलिनेशन, जो कि नॉर्मली क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करता है। बट इफ क्रॉस पोलिनेशन फेल्स, अगर क्रॉस पोलिनेशन फेल हो जाता है द स्टिग्मा मूव्स बैक एंड टच द आंथर, तो स्टिग्मा क्या करेगा वो पीछे घूम के आ जाएगा और अपना ही आंथर को टच कर लेगा जैसा कि सनफ्लावर में होता है, या फिर आंथर खुद नीचे गिर के वो अपने आप को जाके स्टिग्मा में रगड़ेगा जो कि भिंका में होता है। तो ये दो तरह के कंडीशन होता है जहां पर सेल्फ पोलिनेशन होता है कब, जब क्रॉस पोलिनेशन फेल हो जाता है। लेकिन जब डाइकोगैमी सही तरह से होगा तो यहां पर आप असल में क्रॉस पोलिनेशन ही देखेंगे, सेल्फ पोलिनेशन नहीं। फिर बात करते हैं क्लिस्टोगैमी कंडीशन के बारे में। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, देखिए क्लिस्टोगैमी में फ्लावर ओपन ही नहीं होता है तो उससे क्या होगा ना, सबसे पहले तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है और फिर फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो इसका मतलब उसी के अंदर ही पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा जिसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉमेलिना बेंगालेंसिस, यहां पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये दो तरह के प्लांट का कैरेक्टर शो करता है, जैसे कि क्लिस्टोगैमी का भी कंडीशन शो करता है या फिर उसका अपोजिट जो कि चाज्मोगैमस है वो भी शो करता है। चाज्मोगैमी में क्या होगा ना, फ्लावर खुल जाएगा और इसका आंथर और स्टिग्मा बाहर आ जाएगा और ये दूसरे एजेंसीज को यूज करेंगे पोलिनेशन के लिए। तो कॉमेलिना बेंगालेंसिस ये सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन के लिए ट्राई करता है लेकिन अगर सेल्फ पोलिनेशन किसी भी कारण से अगर रुक जाता है तो ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांटेजेस या फिर कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। इसके बाद आता है क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन से जाने से पहले आप ये पिक्चर को भी देख लीजिए। यहां पर एक ही साथ आपको आंथर और स्टिग्मा बहुत ही प्रिसाइजली देखने को मिलेगा। ये एक प्लांट है जो हम जानते हैं रैनुनकुलस ग्लाबरिमस। तो रैनुनकुलस ग्लाबरिमस में क्या होगा ना, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कार्पेल भी है और स्टामेन भी है। देखिए सेंटर के जो हर वो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर के पोर्शन से ये स्टिग्मा होता है और इसके चारों ओर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये उसका स्टामेन पार्ट है। ठीक है, तो यहीं से आंथर निकलेगा। ठीक है, यहीं से आंथर निकलेगा और यहां पर जाकर गिरेगा, सॉरी यहीं से निकलकर यहां पर जाकर गिरेगा और पोलिनेशन कंप्लीट कर देगा। तो ये एक तरह का सेल्फ पोलिनेशन शो करता है। फिर आता है सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हमें देखने को मिलता है। फर्स्टली इफ ए गिवन जीनोटाइप इज वेल सुटेड फॉर एन एनवायरमेंट, जब एक एनवायरमेंट में जीनोटाइप अपने आप को सूट करके रखता है तब सेल्फ पोलिनेशन हेल्प्स टू कीप दिस ट्रेट स्टेबल इन दिस स्पेसीज। तो एनवायरमेंट में उस स्पेसीज को स्टेबिलिटी देता है सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में देखिए एक तो आंथर वही से रिलीज करेगा पोलन ग्रेन और स्टिग्मा वही पे रिसीव करेगा तो उससे क्या होगा ना, उससे पोलन का ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा। नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन पोलिनेटिंग एजेंट्स, यहां पर वो लोग एजेंट के ऊपर भी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे, ये खुद पोलिनेशन कर सकते हैं। ड्यूरिंग सेल्फ पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर,
तो यहां पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक भी जाने का कष्ट इनको उठाना नहीं पड़ेगा। एज ए रिजल्ट देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ पोलन, तो इसीलिए क्या होगा ना, पोलन का वेस्टेज भी बहुत कम हो जाएगा। सेल्फ पोलिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिजर्व द पेरेंटल कैरेक्टर। देखिए यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इससे ना जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो बिल्कुल प्रिजर्व रहेगा। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर फ्लावर्स टू प्रोड्यूस नेक्टार सेंट। आप देखिए क्रॉस पोलिनेशन जब होता है वहां पर नेक्टार सेंट ये सब चाहिए, क्यों चाहिए ना, यहां पर क्रॉस पोलिनेशन में प्लांट्स को दूसरे एजेंसीज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि विंड हो या फिर वाटर हो या फिर बायोटिक एजेंट्स लाइक बर्ड्स होते हैं, कई तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनको ये अट्रैक्ट करने के लिए यहां उनके पास सेंट होना जरूरी है, नेक्टर होना जरूरी है या फिर कुछ कलरफुल मटेरियल होना जरूरी है जिससे कि प्लांट अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को। लेकिन जो सेल्फ पोलिनेशन होता है उसमें ये सब जरूरी नहीं है क्योंकि इनको इंसेक्ट्स की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप पोलिनेशन कर सकते हैं, इसीलिए इनका बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो जाता है। लेकिन यहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन कम फ्रॉम अ लैक ऑफ वेरिएशन। देखिए यहां पर सबसे पहले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो उससे क्या होगा ना, सेल्फ पोलिनेशन का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है जहां पर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा ना, यहां पर जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है या फिर जो पोटेंशियल पाथोजन अटैक होता है वहां से इनको रेजिस्टेंस नहीं मिल सकता है क्योंकि यहां पर वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर वेरिएशन ये क्यों चाहिए, ये हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हम एनवायरमेंट को रेजिस्ट कर सके, लेकिन जब सेल्फ पोलिनेशन में ये सब नहीं होगा तो ये लोग इतना रेजिस्टेंस नहीं शो करेंगे। जेनेटिक डिफेक्ट्स इन सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट्स कैन ऑल्सो नॉट बी एलिमिनेटेड। देखिए अगर हम एलिलीज के ऊपर आ जाए तो जब एलिली रिसेसिव होगा या फिर एलिली डोमिनेंट होगा तभी वो कैरेक्टर शो कर सकता है, लेकिन अगर यहां पर क्रॉस पोलिनेशन होता है तो सपोज मान लो कि एक रिसेसिव डिजीज एक प्लांट में फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अगर वो उसका डोमिनेंट के साथ क्रॉस कर लेगा तो उससे क्या होगा ना, उससे इसका इसको ये एडवांटेज मिलेगा कि वो कैरेक्टर छिप जाएगा। लेकिन यहां पर इनको ये एडवांटेजेस नहीं मिलता है क्योंकि यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा ना, ऑफस्प्रिंग कैन ओनली अफोर्ड इनहेरिटिंग द डिलीटरियस एट्रीब्यूट्स थ्रू ए चांस ऑफ म्यूटेशन। तो यहां पर क्या होगा ना, प्लांट्स बेसिकली म्यूटेशन को बार बार खोजेंगे क्योंकि म्यूटेशन ही एक तरीका है जहां से ये अपना वो जो लिथल जीन्स को एलिमिनेट कर सकेंगे, लेकिन दूसरा कोई चारा इनके पास नहीं रहेगा। यहां पर तीसरा डिसएडवांटेजेस आता है क्या है कि लॉस ऑफ वायबिलिटी एंड विगर ऑफ द प्लांट इन द लॉन्ग रन। जब प्लांट बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए सेल्फ पोलिनेशन करेगा तो वहां पर जो सीड का वायबिलिटी है या फिर जो प्लांट का जो फ्रूट्स के विगरिटी है वो सब क्या होगा ना, वो भी मिट जाएगा। फिर आता है क्रॉस पोलिनेशन। देखिए क्रॉस पोलिनेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है एजेंट्स का, एजेंट्स जैसे कि आप इंसेक्ट, विंड, वाटर, बर्ड्स, स्नेल्स कुछ भी ले सकते हैं। तो एजेंट्स के ऊपर एक वीडियो है ऑलरेडी मौजूद है तो आप देख सकते हैं एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो अभी आता है कि कौन से वो अडेप्टेशन है जिससे क्रॉस पोलिनेशन होता है। देखिए यहां पर आपको पांच तरह का अडेप्टेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइक्लाइनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी में, तो इसमें क्या होगा ना, जो फ्लावर है वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बॉर्न आइदर इन मोनोइसियस प्लांट्स या फिर डायोइसियस प्लांट्स। देखिए मोनोइसियस प्लांट में क्या होगा ना, यहां पर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बॉर्न इन द सेम प्लांट बट दे आर इन डिफरेंट ऑर्गन्स, लाइक मेल फ्लावर इज डिफरेंट, फीमेल फ्लावर इज डिफरेंट, एक ही प्लांट लेकिन प्लांट में फ्लावर दो। उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कुकुरबिटा या फिर रेसिनस, जियामेज एटसेट्रा। इन डायोसिस प्लांट्स लाइक मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर इन डिफरेंट प्लांट्स। जो डायोसिस प्लांट होता है उसमें मेल प्लांट भी डिफरेंट होता है, फीमेल प्लांट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं पाइपर, कैनाबिस, मोरस एटसेट्रा। फिर आता है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी आप देख सकते हैं सोलानम में या फिर निकोटियाना में, फिर टी प्लांट में दिखाई देता है। तो जो सेल्फ स्टेरिलिटी है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, इसमें क्या होगा
ना जो आंथर है वो अपना ही फ्लावर में, अगर एक मान लो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक आंथर होगा, लेकिन वो आंथर अपने पोलन ग्रेन से उसी फ्लावर का स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकेगा। अगर ये पॉलिनेट करने को कोशिश करेगा तो उसका पोलन ग्रेन को वो जो स्टिग्मा है वो नष्ट कर देगा। इसीलिए इसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बन सकता है। देखिए इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं सोलानम, निकोटियाना, टी प्लांट। इसमें क्या होगा ना, ए कंडीशन वेयर फ्लावर कैन नॉट बी पोलिनेटेड बाय द पोलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर और द एनी फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट से भी ये सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाने देगा, तो इसीलिए यहां पर क्रॉस पोलिनेशन मैंडेटरी हो जाता है। फिर आता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होगा ना, यहां पर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से, देखिए डाइकोगैमी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था या सेल्फ पोलिनेशन में, तो यहां पर आपको डिटेल में देखना है डाइकोगैमी में क्या होगा ना। देखिए सबसे पहले एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें आंथर भी मौजूद है या फिर स्टिग्मा भी मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है जब आंथर पहले मैच्योर कर लेता है और स्टिग्मा बाद में मैच्योर करता है, या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर कर लेता है और आंथर बाद में मैच्योर करता है। तो उससे क्या होगा, जो पहले मैच्योर करेगा वो एक मैच्योर सेक्स, ऑपोजिट सेक्स को ढूंढेगा, तो वहां पर वो पोलिनेशन कंप्लाई करेगा। जैसे कि अगर मान लो कि आंथर पहले, यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं गॉसिपियम में, गॉसिपियम या फिर जो जिसको हम कॉटन प्लांट्स भी कह सकते हैं, उसमें क्या होगा ना, इसका जब प्रोटांड्री कंडीशन होता है, मतलब कि एंड्रोसियम पहले मैच्योर कर लेता है और जो गाइनोसियम है वो बाद में मैच्योर करता है, तो उससे क्या होगा ना, जो एंड्रोसियम पहले मैच्योर करेगा वो बाहर अपना सराउंडिंग में स्टिग्मा ढूंढेगा, वो अपना स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर सकता या फिर पॉलिनेट नहीं कर सकता है, तो इसी कंडीशन में या फिर इसको हम प्रोटांड्री कहेंगे। लेकिन जब गाइनोसियम पहले मैच्योर करेगा और एंड्रोसियम बाद में मैच्योर करेगा उसको हम प्रोटोगाइनी कंडीशन कहते हैं, जो भी मैग्नोलिया में भी आप देख सकते हैं। तो फिर आता है हर्कोगैमी कंडीशन। हर्कोगैमी कंडीशन में क्या होगा ना, इस कंडीशन में आप देखेंगे एक फ्लावर है जो कि बाइसेक्सुअल है, देयर आर सर्टेन अडैप्टेशंस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, वहां पर फ्लोरल पार्ट में कुछ अडैप्टेशन हो जाएगा जो कि आंथर और स्टाइल को एक दूसरे से अलग रखेगा। जैसे कि आप यहां पर तमिलनाडु का स्टेप फ्लावर देख सकते हैं जिसको हम ग्लोरियोसा सुपरबा कहते हैं, वहां पर क्या होगा ना, आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो आंथर का पोर्शन है, ये देखिए आंथर, यहां पर आंथर बाहर निकला हुआ है, ये देखिए ये जो आंथर का पोर्शन है ये बाहर निकला हुआ है। तो आंथर क्या होगा ना, ये आंथर बाहर की ओर रहेगा और जो स्टिग्मा है वो अंदर की ओर रह जाएगा। तो और उसके बीच में आप देख सकते हैं यहां पर पेरियंथ है, ग्लोरियोसा में पेरियंथ होता है, यहां पर स्टामेन, यहां पर कैलिक्स और कोरोला नहीं होता है, वहां पर इनका फ्यूजन हो जाता है। तो यहां पर ये जो पेरियंथ या फिर टेपल्स आप देख सकते हैं, इसको हम फ्लेम लिली भी कहते हैं। तो ये क्या होगा ना, ये प्रोटेक्ट करेगा, ये जो आंथर को स्टिग्मा तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो इसीलिए क्या होगा ना, यहां पर एक बैरियर हो जाता है, मतलब कि अपना ही कैलिक्स या फिर करोला या फिर आंथर या फिर स्टिग्मा वो अपने आप में ही बैरियर फॉर्मेशन कर देंगे, जैसे कि ये लोग क्रॉस पोलिनेशन करेंगे। तो यहां पर ये सेल्फ पोलिनेशन को खुद ही प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये मोस्टली दिखाई देता है क्रूसीफेरस या फिर कैरियोफाइलेसियस फैमिली में, ठीक है। फिर आता है हेटेरोमॉर्फिज्म। हेटेरोमॉर्फिज्म में क्या होगा ना, देखिए प्लांट हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स फॉर आंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड ऑन डिफरेंट पोजिशन। सपोज मान लो कि अगर हम प्राइमुला के बारे में बात करें, यहां पर आप हेट्रोस्टाइली कंडीशन भी देख सकते हैं या फिर हेट्रोआंथी भी कंडीशन देख सकते हैं। हेट्रोस्टाइली में क्या होगा ना, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल्स आपको देखने को मिलेगा, या फिर हेट्रोआंथी में क्या होगा ना, डिफरेंट साइजेस ऑफ आंथर आपको देखने को मिलेगा, मतलब के जो फिलामेंट है वो कहीं पर फिलामेंट ज्यादा बड़ा हो गया है या फिर छोटा हो गया है। तो उससे क्या होगा ना, डिफरेंट साइजेस ऑफ स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये सब स्टाइल या फिर फिलामेंट या ये सब फॉर्मेशन हो सकता है। तो उससे क्या होगा ना, जो आंथर से वही स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकेंगे। देखिए कहीं कई बार स्टिग्मा बहुत ही बड़ा हो जाएगा और जो आंथर है वो छोटा रह जाएगा, तो आंथर क्या करेगा, वो अपने सराउंडिंग में नजदीक में कोई स्टिग्मा ढूंढेगा, जो स्टिग्मा बड़ा हो गया है वो अपना सराउंडिंग में ढूंढेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेनली प्राइमुला के हर वो स्पेसिस को आप देखिए,
वहां पर आपको इस तरह का फ्लावर देखने को मिलेगा। मतलब कि उसका जो फ्लावर है वो डिफरेंट पोजिशंस में अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। इसीलिए क्या होगा, जो छोटा वाला अंतर है वो भी किसी और बड़ा वाला स्टिग्मा के पास होगा, या फिर कोई बड़ा वाला स्टिग्मा है वो अपने पास कोई डिफरेंट अंतर के कक्षा में आ सकता है। तो इसीलिए क्या होगा ना, ये हेट्रोमॉर्फिज्म शो करते हैं, जैसे कि हेट्रोस्टाइल हो गया या फिर हेट्रोएंथी हो गया। फिर आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए, क्रॉस पोलिनेशन का भी कुछ एडवांटेजेस होता है या फिर कुछ डिसएडवांटेजेस होता है। एडवांटेजेस में आप देख सकते हैं, यहां पर ऑलवेज रिजल्ट्स इन मच हेल्दियर ऑफस्प्रिंग। देखिए, यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो यहां पर एडवांटेजेस ज्यादा आएगा कि यहां पर हेल्दियर ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन हो सकता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन दिस मेथड्स आर अडॉप्टेड वन, वे लोग एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर सकेंगे। हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड, यहां पर हाइब्रिड भी प्रोड्यूस हो सकेगा। वायबल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, फिर जो डिफेक्टिव कैरेक्टर्स है ये भी आसानी से रिमूव हो सकेगा। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस के बारे में देखें तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर बहुत सारा पोलन का वेस्टेज हो जाता है, फॉर लार्ज नंबर ऑफ पोलन गन गेट डैमेज। देखिए, सबसे पहले यहां पर एजेंट्स लेकर जाते हैं पोलन को, एक एजेंट एक जगह से दूसरे जगह पर एजेंट्स लेकर जाते हैं, तो क्या होगा, कई बार पोलन गिर जाता है या फिर कई बार विंड के कारण ये जाता तो सही लेकिन कहीं और गिर जाता है, तो यहां पर पोलन बहुत सारा वेस्टेज हो जाएगा। यहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बहुत कम है, मतलब के पोलन को पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले स्टिग्मा तक, अगर वो नहीं पहुंच सकेगा तो ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब यहां पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तब यहां पर एडवांटेजेस बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप यहां पर देख सकते हैं जो दो वीडियो आ रहा है, तो अगर आप एक में देख सकते हैं तो प्लेलिस्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, दूसरे में आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दिखाया है। तो आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहले देखिए, यहां से ये कंटिन्यूअसली शुरू होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर पोलन गन, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस और फिर अभी पॉलिनेशन, इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड सराउंडिंग्स, सो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।